अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, लेकिन मेरे दिन का आगाज़ बहुत ही आज मुश्किल तरीन वाला मैं कहूँगी वैसा था, क्योंकि कल जब मेरे बेटे को इंफूंग लगी थी, दो इंजेक्शन लगे थे, तो उसके बाद रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था और सुबह जब उठी हूँ तो वो बिल्कुल अपने पैर नहीं हिला रहा था। उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो खड़ा भी नहीं हो रहा था। उसको मैं टच कर रही थी तब भी बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था। पूरी रात उसने तंग करके रखा हुआ था, फिर दिन को भी यही हाल था। फिर सुबह सुबह मैं डर गई थी थोड़ा सा कि ये क्या हो रहा है। फिर हमने डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने हमें टाइम दिया कि आप जो इसको लेके जल्दी से, तो मैं उसको लेके चली गई थी। उसने चेकअप किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, बस वही ना कि उसको दर्द बहुत ज़्यादा थाइज़ में हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने और मेडिसिन उसके लिए दी और कहा कि हर 4 घंटे के बाद इसको जो है तो फीवर के लिए और पेन के लिए दवाई देनी है। तो पूरा टाइम वो मेरे से चिपका हुआ था, इतना कोई थका के रखा हुआ, ना मेरी नींद कम्प्लीट ना जो है तो मैंने कुछ आराम किया। बहुत ही मुश्किल वाला टाइम था, लेकिन अभी वो सो गया था तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया कि मैं इफ्तारी बनाऊँ। और ये मैंने आटा गूंद लिया था और ये जो है तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बेक कर लूँ। उसे मैं आलू डाल देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे फिर जो है तो वो बड़ा शौक से खाते हैं बेक किए हुए जो आलू है, पोटैटोज है, तो वो मैंने मैरिनेट करके रख दिए हैं ताकि ये सही से हो जाए। और ये जो है तो मैं पेटीज के लिए फ़िश को थोड़ा सा सोते करूँगी। चिकन और कीमे के तो मैंने बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आज जो है तो थोड़ा मैं फ़िश के बना लेती हूँ कि वो कैसे होते हैं। तो ये जो है तो पैटीज के लिए, मैं फिलिंग के लिए ये जो है तो भी थोड़ा सा मैं फ़िश को सोते कर रही हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा जो है तो नमक और थोड़ा सा ही प्याज को मैंने किया है, और उसके बाद जो है तो पपरिका पाउडर डाल दिया। और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ठंडा भी हो जाए, और उसके बाद जो है तो मैं पैटीज की फिलिंग करूँगी। तो बहुत ही आज का दिन इतना कोई अजीब वाला था। एक तो बेटे को देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इस वजह से भी लग रहा था कि वो माशाल्लाह से चलता है, हर जगह पे घुसा होता है। हम उसको बोल रहे होते नो जैन, नहीं ये नहीं करता, वो नहीं करना, और आज वो अपनी जगह से हिला भी नहीं ना। तो इतना मुझे कोई लग रहा था, मैंने कहा बेटा तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, कहीं पर भी चढ़ो कुछ भी करो मैं कुछ नहीं बोलने वाली। लेकिन अब कहीं जाके, अब जब उन्हीं से जागा है तो थोड़ा बहुत जो है उसने बहुत ज़्यादा, उसको स्वेटिंग हुई हुई थी इतनी ज़्यादा कि पूरा बेड उसका गीला था, उसके बालों से बिल्कुल पानी टपक रहा था जैसे ना, इतना ज़्यादा उसका स्वेटिंग हुई थी। और लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है तो मैं पैटीज़ भी साथ में बना रही हूँ, तो ये पैटीज़ जो है तो इसकी फिलिंग मैंने कर दी है, और ऊपर से जो है तो सिर्फ अब मैंने एग्स को ऊपर थोड़ा सा वो करना है। मैं इसको जो है तो एयर फ्रायर में ही डाल दूंगी क्योंकि मैंने चिकन जो है तो ओवन में ऑलरेडी रख दिया है। और ये जो है तो बच्चे एज़ यूजुअल हर दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो कि हमारा रमदान कैलेंडर है। आज जो है तो विंडो 5 जो है तो ये लोग खोलने वाले हैं। Zeni, Zeni, Mom, how's your mom? Baba, kannst du jetzt hier neben mir stehen? Welche Nacht ist besser als 1000 Monate? और ये माशाल्लाह से हमारे इफ्तारी का टाइम हो चुका है। ये आज का हमारा दस्तखान है, आज की इफ्तारी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह का एहसान है कि हम पे इतना करम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। और आई होप कि आपने जो है तो मेरी आज की वीडियो भी इंजॉय की होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझे बताएँ, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, मुझे मेरे घर वालों को मेरे बच्चों को अपने ख़ास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। और अगेन आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।